दोस्तों, घर पर आप लौकी बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ी सी तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। लौकी उगाने के लिए सबसे पहले हमें फोकस करना होगा उसके बेसिक्स पे, किस तरह से हमें बीज को जर्मिनेट करना है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हर एक सीड को जो आप मार्केट से लाएँ, चाहे आपके पास घर पर है, तो उससे आप 100% जर्मिनेशन कर सकते हैं लौकी के बीज की। और फिर आप धीरे धीरे प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखेंगे और फाइनली लौकी तोड़ सकेंगे। और दोस्तों, लौकी उगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि एक बेल में काफ़ी सारी लौकियां होती है और एक एक लौकी एक बार में आप बना सकते हैं पूरे परिवार के लिए। तो चलिए फटाफट से हम बेसिक से चालू करते हैं कि लौकी को किस तरह से 100% जर्मिनेट करना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और स्वाद और सेहत में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम एक बेहतरीन टेक्निक को जानेंगे जिससे आप लौकी के हर एक बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं और आपका एक भी बीज खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी में पानी लिया है और ये बीज मैंने सीड के दुकान से लिया था। 10-12 बीज थे लगभग 10 रुपये में। तो मैं यहाँ पर दो बीज को ही आपको दिखाने वाला हूँ जर्मिनेट कर। तो सबसे पहले इसे 10 से 12 घंटा के लिए फूलने के लिए पानी में डालकर छोड़ देना है। आप रात भर छोड़ दीजिए और फिर सुबह आप इसे निकाल लीजिए और थोड़ा सा सुखा लीजिए, हल्का सा ड्राई करना है सरफेस पर। अब हमें क्या करना है, एक बड़ा सा पत्ता लेना है, कोई भी आप पेड़ का पत्ता ले सकते हैं जो कि अच्छा हो, मतलब ग्रीन हो, उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी हो। और इस तरह से उसे फोल्ड करके दोनों बीज को मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्या करना है, हमें एक कोई भी कपड़े में इसे लपेट लेना है और इसे 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है छांव में, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी गर्मी रहनी चाहिए। तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे, मैं इसे निकाल कर दिखाता हूँ। ये जो कपड़ा मैंने यूज़ किया है, ये इसलिए यूज़ किया है ताकि अंदर जो है गर्मी बनी रहे और हवा का भी आना जाना लगा रहे। और ग्रीन पत्ते का यूज़ तब आता है जब वो धीरे धीरे सूखता है और उसमें से मॉइस्चर जो है वो बीज हमारे जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो परफेक्ट टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलने के कारण सीडलिंग्स हमारे जर्मिनेट करते हैं, सीड्स हमारे जर्मिनेट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो पहला सीड है हमारा, ये जर्मिनेट कर चुका है। इसमें से थोड़ी सी जर्मिनेशन आपको बाहर दिख रही है। इस तरह से दूसरे बीज को भी हम निकाल लेते हैं। और ये पत्ता देखिए आप, पत्ता पूरी तरह से सूख चुका है। और ये हमारा दूसरा बीज रहा, ये थोड़ा सा ही निकला है इसका जर्मिनेशन पार्ट। तो कोई इशू नहीं है, ये आपका जो दोनों बीज है ये दोनों अच्छे से जर्मिनेट हो गया है। बट इसकी अब प्लांटिंग की बारी आती है, तो इसे हम प्लांटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मिट्टी का ढेर बना कर रखा है जिसमें मैं खाद वगैरह मिलाकर रखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गोबर का खाद मिला दिया है, सूखा गोबर का। और एक कप में हम इसे मिट्टी को डाल लेते हैं और जस्ट जो सीडलिंग्स, जो बीज फूट के जो उसमें से छोटा सा प्लांट निकला है, उसको हम नीचे रखेंगे। हल्के से हाथों से आपको इसे प्रेस करना है और इसके ऊपर हम मिट्टी को डालकर ढक देंगे। ये मिट्टी गीली है बारिश के चलते, तो मैं पानी नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप सूखी मिट्टी लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। 2 दिन बाद आप देखेंगे ये जो सीडलिंग्स हैं हमारी, ये निकल आई है और बीज जो है फट गए हैं। फटने के बाद उसमें से अंदर में जो है पत्ता निकल आया है। और ये दूसरा वाला दिख रहा है जिसमें से थोड़ा सा जर्मिनेशन हुआ था, ये भी हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन रंग का हल्का सा दिख रहे हैं, ये मतलब बीज फट चुका है और इसमें से पत्ते जो है बाहर आ रहे हैं। अगले दिन देखिए आप, अगले दिन जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है और दूसरा वाला भी फट कर बाहर निकल गया है। धरती का सीना चीरते हुए ये जो सीडलिंग्स है हमारी, जर्मिनेशन प्रॉपरली हो चुकी है और अब धीरे धीरे ये पेड़ बनेगा। तो अगले दिन हम देखते हैं, ये जो दोनों पत्ता था इसका, ये फैल चुका है। तो बीज को फुलाने से लेके अब तक लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। तो आप 7-8 दिन में इतने अच्छे जर्मिनेशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और आप देखिए बीज में जो है ये एक्चुअल पत्ता निकल रहा है, जो लौकी का मेन पत्ता होगा। तो 7 दिन बाद हम वेट करते हैं, 7 दिन बाद हम देखते हैं कि ये प्लांट एकदम रेडी हो गया है प्लांटिंग करने के लिए, मतलब आप जमीन पर लगाइए चाहे आप गमले में लगाइए, उसके लिए रेडी हो गया है।
तो आशा करता हूँ कि आप जर्मिनेशन टेक्निक 100% सीख गए होंगे। इसी तरह घर पर ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ उगाइए, स्वाद का लुत्फ उठाइए और सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।